ओम शांति। ओम शांति। सुप्रभात, मैं महिमा कुमारी इस 7 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत करती हूँ, जिसका विषय है पीस एजुकेशन शांति शिक्षा। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय चेयरमैन विजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिस्टर मनीष कुमार तपसिमे सर, आदरणीय सेक्रेटरी ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिस्टर अविनाश कुमार सेठ सर, आदरणीय डिप्यूटी डायरेक्टर मैम ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर संजीता कुमारी मैम, आदरणीय स्पीकर वक्ता मिस्टर बी के करण राणा सर, ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आदरणीय प्रिंसिपल कन्वेनर प्रोफेसर डॉक्टर बी सी सेन सर एवं यहाँ उपस्थित सारे आदरणीय शिक्षकगण और अंत में हमारे प्रशिक्षुगण, मैं आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व आप सबको बताती चलूँ, ग्रीजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना 2009 में माननीय श्री अविनाश सेठ सर एवं माननीय श्री मनीष कपसिने सर के दूरदर्शी एवं बुद्धिमान मार्गदर्शन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करने के लिए की गई थी। हमारे महाविद्यालय को हाल ही में माननीय उपनिदेशिका डॉक्टर संजीता कुमारी मैम की देखरेख में नैक द्वारा मान्यता प्राप्त की। हमारे महाविद्यालय ने न केवल जिला स्तर पर अपना नाम बनाया बल्कि राज्य स्तर पर भी अपना नाम बनाया है। आशा करती हूँ इस उपलब्धि के साथ अग्रसर रहे। आज के इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह करूंगी कि वे वंदनीय माँ शारदे के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करें। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगी हमारे स्पीकर वो भी हमारे साथ इस शुभ घड़ी के साथ दें। कल्याणम् आरोग्यम् धनसम्पदः शुभं कुरु।
सर्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं शुभं गुरुत्वं मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सभी कोई अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज के इस कार्यशाला का विषय है पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा। व्हाट इज पीस एजुकेशन? आखिर शांति शिक्षा है क्या? शांति शिक्षा का उद्देश्य एक प्रभावी आचार संहिता से है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक आचरण से आदर्श रूप दिखाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है तथा दूसरे लोगों की देखभाल करने में सक्षम होता है। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय की उपनिदेशिका आदरणीय डॉक्टर संजीता कुमारी मैम को डायस पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मैम। धन्यवाद महिमा। ओम शांति। सात दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधुबन माउंट आबू राजस्थान से ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित माननीय बीके करण भाई, महाविद्यालय के निदेशक द्वय श्री मनीष कक्षी में एवं श्री अविनाश सेठ प्राचार्य प्रोफेसर बी सी स्वैन, देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े सभी सम्मानित व्यक्तियों, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं हमारे देश के भावी शिक्षक, हमारे प्रशिक्षुगण का महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय द्वारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से शांति शिक्षा पर सात दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया जाना काफी हर्ष का विषय है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति के साथ पर्यावरण जागरूकता के महत्व को उजागर करना है। यह विश्वविद्यालय सम्मान, सहयोग, समानता, प्रेम और स्वयं को और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित अंदरूनी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जो कि एक स्थायी भविष्य की कुंजी है। शांति शिक्षा स्वयं, दूसरे और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के लिए मूल्यों, ज्ञान, सकारात्मक दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शांति शिक्षा ज्ञान, कौशल और व्यवहार को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों को संघर्ष की परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने या हल करने में मदद मिलती है तथा शांति के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करने में मदद मिलती है। सात दिवसीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता बीके करण भाई का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने अपने
व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर हमारे महाविद्यालय को समय दिया है। मैंने YouTube पर आपके अनेकों वीडियो को जैसे आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, चेंज थ्रू माइंड पावर, कर्म फिलोसफी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आदि अनेकों विषय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों से काफी लाभान्वित हुई हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 7 दिवसीय कार्यशाला के प्रकरण जैसे विजन फॉर अ पीसफुल लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ पीस, बिल्डिंग ऑफ अ पीसफुल ऑरा, सोर्स ऑफ अबंडेंट पीस, चैनलाइजिंग योर सबकॉन्शियस पावर, ब्रिंगिंग अ चेंज इन बिलीफ सिस्टम, लेट्स मेक अ पीसफुल वर्ल्ड एंड गो फॉर अ न्यू बिगिनिंग जानने के उपरांत निश्चित तौर पर इस वर्कशॉप में शामिल होने वाले तमाम प्रशिक्षुओं एवं अन्य सम्मानित शिक्षकगण इससे लाभान्वित होकर अपने भावी जीवन में इसका उपयोग कर सकेंगे। शांति को अगर चंद शब्दों में कुछ यूं कहा जा सकता है कि जिंदगी को हमने कुछ यूं आसान कर दिया, जिंदगी को हमने कुछ यूं आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली, कुछ लोगों को माफ कर दिया, कुछ लोगों को माफ कर दिया। इस कार्यशाला की सफलता की कामना के साथ पुनः आप सबों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीसी सेन सर को डायस पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ओम शांति। नमस्कार टू एवरीवन टेकिंग पार्ट इन दिस 7 डे ऑनलाइन वर्कशॉप। ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रिजिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन आई टेक द प्लेजर ऑफ वेलकम ऑल आवर एस्टीम्ड डिग्निटरीज टू आवर 7 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन पीस एजुकेशन। द एस्टीम्ड की पैटर्न मिस्टर मनीष कुमार कापसिमे, चेयरमैन ग्रिजिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। द एस्टीम्ड पैटर्न मिस्टर अविनाश कुमार सेठ, सेक्रेटरी ग्रिजिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एस्टीम्ड पैटर्न डॉक्टर संजीता कुमारी, डेप्यूटी डायरेक्टर ग्रिजिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एस्टीम्ड रिसोर्स पर्सन मिस्टर बी के करण राणा। आई ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी of this 7 day online workshop on peace education, welcome all the learned speaker, teacher, educator and people teacher participating in today's 7 day online workshop from different part of globe. Their participation will be certainly make this 7 days online workshop a grand success. Once again, I extend my hearty welcome to one and all associated with this 7 days online workshop. Grizzle College of Education is the institute of repute established under the visionary and prolific guidance of Mr. Abhinash Kumar Seth and Mr. Manish Kumar Karsime, which has been imparting quality teacher education since 2009. The Grizzle College of Education is unique and distinctive, spreading its fragrance of quality, innovative teaching and a unique platform of curricular and extracurricular activities. The Grizzle College of Education provides excellent learning opportunities as well as great platform for students, teachers to showcase their abilities. Education is the best way to earn living and live a satisfactory life. However, it also has another motive. Peace education goes beyond the concept of making a living. It teaches the student how to maintain harmony and peace in the world and have critical and logical thinking.
the concept of a peace education is to make people aware of the importance of a peacemaking and developing positive environment. We are fortunate enough to have esteemed Mr. B.K. Varun Rana, sir, and he associated with Brahma Kumaris since last 34 years. He came in contact with Brahma Kumari in the age of 20, and the teaching of this institution left a deep impact on this mind. Mr. Karan Rana is an engineering graduate in electrical branch, is presently staying in Madhuban in international headquarters of Brahma Kumari. He is a motivational speaker and has delivered his lecture in over 3,000 institutions like school, college, social organization throughout India and different on different topics. Mr. Karan is a main faculty of security service wings of Raj Ego Education and Research Foundation, a sister concern Brahma Kumaris, and has traveled throughout India to different establishments of Indian Army, Navy, Air Force, BSF, SSB, CISF, CRPF, and Assam Rifles, etc. Recently, he has conducted hundreds of seminars on secret of true happiness in different site of India, online and offline. He, along with a group of BK brothers and sisters, has organized 26 grand fair under the title Health, Wealth, Happiness Festival. Health, Wealth, Happiness Festival in the different cities. Cities in India, in which about 20 lakh souls were benefited about spiritual knowledge, meditation, moral values, and social values. He runs a 24/7 YouTube channel, Final Destination Madhuban, which teaches deep meditation practices. A thousand of souls daily and people from almost 21 countries are attached to this channel regularly. He started meditation training from morning 2 o'clock early morning. He has a specialization on power of vision, the art of positive thinking, the stress management, memory power, time management, personality development, mind stabilizing techniques, development of inner power, concentration, confidence, etc., public speaking, managing challenging situation, yoga, Raja Yoga meditation, principle of mind, haunt the treasures within, self-empowerment, golden principle happiness, and at last, I would like to thank the technical groups, Mr. Niraj Kumar and Rohit Kumar. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. कार्यशाला को शांतिपूर्ण आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के इस कार्यशाला के प्रमुख वक्ता स्पीकर आदरणीय मिस्टर बी के करण राणा सर ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से आग्रह करूंगी कि वे इस कार्यशाला का आरंभ करें। Is
हिंदी ले जाओ, हिंदी ले जाओ। ओम शांति। अपनी तरफ का स्पीकर डबल आवाज और YouTube वाले सभी भाई बहन भी एक बार ओम शांति लिखकर बताएंगे कि उनकी आवाज, मेरी आवाज उन तक क्लियर पहुंच रही है। और एक कैमरा सामने बैठी ऑडियंस की तरफ कर देंगे तो मुझे एक क्लास का सामने बहुत अच्छा जी। मैं सभी को अपने साथ सबसे पहले मैं आवाज आ रही है मेरे पास अभी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, मेरे पास रिटर्न आवाज। आपको माइक ऑफ करना होगा। ओके, नाउ इट्स ऑल राइट। बहुत ही खुशी का विषय है आज मेरे लिए। एक तो जो ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने बहुत सुंदर विषय लेकर के हमें अप्रोच किया, क्योंकि विषय बहुत सुंदर है। ऐसा विषय बहुत कम सेलेक्ट किया जाता है, पीस एजुकेशन, जिसकी आज संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज हम देखते हैं कि संसार में इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, सब पर इंफॉर्मेशन है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी बहुत है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। तो ये 7 डेज वर्कशॉप जो हम सभी को मिली है, इसको हम बहुत एंजॉय भी करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ना रहे, हम इसको रियलाइजेशन के रूप में लें। आप सभी भी सिर्फ भाषण सुनने के लक्ष्य से ना बैठें, कुछ परिवर्तन करने के लक्ष्य से बैठेंगे तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण पैदा होता है। लक्ष्य के अनुकूल ही हमारे अंदर से शक्तियां जागृत होती हैं। बाकी सब बातें करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएं, क्या कर रही है ब्रह्मा कुमारीज, ताकि आपने ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमें आमंत्रित किया है, कितना विशाल कार्य है इसी विषय पर, पीस एजुकेशन पर पिछले 86 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज का चल रहा है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा पावर पॉइंट के माध्यम से। जस्ट मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर लूं। स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है अभी?
नो सर अभी। अभी पावर पॉइंट यस सर अब दिख रही है। हाँ सर अब दिख रही है। ओके ओके भी फुल स्क्रीन है। यस सर जी अभी आप माइक ऑफ कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू। कुछ पलों के लिए हम आपको इस हेडक्वार्टर में लेकर के चलते हैं जो राजस्थान की अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में उपस्थित है। यहाँ पर विशेष राजयोगा मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। ये राजयोगा मेडिटेशन क्या है? राजयोगा मेडिटेशन में कोई मंत्र कोई जाप वगैरह नहीं होता है। यह एक ओपन आइड मेडिटेशन है अर्थात आंखें खोलकर बैठ करके विचार सागर मंथन के द्वारा अपने अंदर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम मेडिटेशन कहते हैं। राजयोगा अर्थात जैसा योग जो हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। सन 1936 में हैदराबाद सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां से इस संस्था का उदय हुआ और 300-350 लोगों के एक छोटे से समूह से उठ करके बाद में 1950 में भारत में स्थानांतरित हुआ और आज बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में 137 देशों में 5 कॉन्टिनेंट्स में बहुत विशाल सेवाएं ये संस्था कर रही है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इनके फाउंडिंग फादर को प्रजापिता ब्रह्मा जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था और जगदम्बा मातेश्वरी ने इसको आरंभ किया परमपिता परमात्मा शिव की प्रेरणा के द्वारा। इनके इस संस्था के मुख्य ज्वेल्स दादी हृदय मोहिनी जी दादी जानकी जी और दादी रतन मोहिनी जी वर्तमान में रतन मोहिनी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस संस्था के क्या हैं? स्पिरिचुअल एजुकेशन के द्वारा संसार में परिवर्तन लाना नॉलेज ऑफ सोल एंड इट्स नेचर। जो आपने शांति की वर्कशॉप रखी है पीस एजुकेशन वास्तव में शांति आत्मा का एक मूल गुण है इट्स ओरिजिनल नेचर जिससे आज मनुष्य बहुत दूर चला गया है। अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग अर्थात परमपिता परमात्मा के बारे में अवेयर करना और उससे किस प्रकार से कनेक्शन जोड़ना है। ट्रांसफॉर्मिंग अवर लाइफ थ्रू एक्सपीरियंसिंग द पीस एंड फ्लो ऑफ एक्सपीरियंसेस। इस प्रकार से बहुत राजयोगा एजुकेशन हमें सकारात्मक परिवर्तन की ओर लेकर के जाता है। इस संस्था के फीचर्स मेन फीचर्स हैं लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड लेड बाय वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा कुमारीज है। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो केवल नारी के द्वारा ही चलाई जाती है। सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जाति पाति धर्म भेदभाव कुछ भी सबसे ऊपर उठ करके यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। 1936 से आरंभ होकर के लगभग 8 डिकेड से 86 वर्षों से यह संस्था कार्य कर रही है। जैसा कि मैंने बताया 137 से 140 देशों में 5 कॉन्टिनेंट में लगभग 12 से 15 लाख के बीच में स्टूडेंट्स ब्रह्मा कुमारीज के हैं और ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं ने यूनाइटेड नेशन में भी एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है। एसोसिएट स्टेटस विद द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ऑब्जर्वर स्टेटस टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली ऑफ यूएनईपी एंड ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन टू यूएन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ए फ्लैगशिप मेंबर ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल फूड एंड एग्रीकल्चर। तो यूनाइटेड नेशन तक ब्रह्म कुमारीज की शिक्षाएं पहुंची हैं और लगभग 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स ब्रह्म कुमारीज को अभी तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं, पूरे विश्व के अंदर लगभग पूरे विश्व को कवर कर रही है ब्रह्म कुमारीज की एजुकेशन। आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्रह्म कुमारीज, होलिस्टिक एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, चिल्ड्रन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, कॉरपोरेट वर्कशॉप्स, आप जैसे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में, होलिस्टिक हेल्थ में, डिजास्टर सर्विसेज, एम्पावरिंग वुमेन, अनेक सोसाइटी से संबंधित सेवाओं में ब्रह्म कुमारीज का बढ़ चढ़ कर हाथ होता है। ब्रह्म कुमारीज अपने 19 विंग्स के द्वारा कार्य करता है, हर विंग अपने अपने फील्ड में कार्य करता है। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट ब्रह्म कुमारीज। अभी हम अपने आज के विषय पर आएंगे। इसमें वापस इसमें किस प्रकार से आएंगे, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, अभी मैं बैक स्क्रीन कैसे आएगा इस? ओके, आई गॉट इट। चलिए अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं YouTube पर भी सुन रहे अपने सभी भाई बहनों के रिमार्क्स को मैं पढ़ पा रहा हूं। तो हम इस सेशन को 7 दिन केवल भाषण का रूप नहीं रखेंगे, इसको हम इंटरेक्शन का रूप रखेंगे। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें है विजन फॉर पीसफुल लाइफ एंड वर्ल्ड पीस। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि क्या संसार में जितनी प्रॉब्लम है, कितना हमने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है हमने, संसार में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, यदि ये प्रश्न मेरा आपसे हो तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ट्रुथफुली आप ये जवाब देंगे सच्चाई के साथ कि आपका मन क्या कहता है, क्या हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? जी आप अपना रिमार्क्स देते रहेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। और जो सामने है हाथ उठा करके मेरे आप कैमरे को देखिए। सबसे जरूरी है, सिर्फ भाषण करना जरूरी नहीं है, भाषण करने वाले हमारे पास भरे पड़े हैं, बहुत हैं भाषण करने वाले, लेकिन सिर्फ भाषणों से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन भाषणा से होता है, अर्थात रियलाइजेशन से परिवर्तन होता है।
जब तक हमारे मनों के अंदर विजन नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं, तब तक कितना भी हम प्रयास करते रहेंगे, कितना भी प्रयास करते रहेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। आप देखिए पिछले वर्षों में साइंस ने कितनी डेवलपमेंट की है, हमने कमाल के कार्य किए पिछले 30 से 40 वर्षों में। साइंस ने जितना पिछले 40 वर्षों में डेवलपमेंट की है, उससे पहले 400 सालों में इतनी डेवलपमेंट नहीं की। 1978 के करीब, 1875 के करीब इंटरनल कंबस्टन इंजन का निर्माण किया गया था। उसके बाद साइंस की डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में साइंस की डेवलपमेंट ने कमाल कर दिया, हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हम आज मार्स तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि एक प्रश्न किया जाए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका एक शब्द में, यस और नो में, ऊपर या नीचे में क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? टोटल मिलाकर के ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और वर्ल्ड पीस की अगर हम बात कहें जी, क्या कहेंगे इसमें आप? आप कोई इसको समझता है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर मैं कहूं 25 से 30 साल में मनुष्य की खुशी का जो क्वालिटी है वो बढ़ी है या कम हुई है, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे तो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ये, उसमें सिर्फ भाषण नहीं लगेगा आपको। मैं YouTube पर आपके रिमार्क्स देख पा रहा हूं। साइंस के हिसाब से हमने नो डाउट बहुत उन्नति की है, लेकिन अगर हम शांति के हिसाब से देखें, जो हमारा आज का विषय है, आज डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, हर रिलेशन के अंदर टेंशन बढ़ रहा है। 30, 35, 40 साल पहले जो रिलेशन पिता और पुत्र का था, आज वो रिलेशन समझिए क्या हो रहा है। आज वो बॉन्डिंग पहले जैसी पावरफुल है क्या? क्या आज घरों में उतनी शांति है जितनी पहले होती थी? क्या आज इंसान की खुशी की क्वालिटी उतनी है जितनी पहले होती थी? तो हम देखेंगे, भले ही साइंटिफिक रूप में हमने बहुत उन्नति हासिल की है, लेकिन अगर हम पीस के रूप में देखें तो हम नीचे की तरफ गए हैं। आज मनुष्य का मन अशांत होता जा रहा है, इतना अशांत कि आज हम खुद तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। ये उत्तर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम इस चीज को पहले समझेंगे, एक्चुअली पीस का कंसेप्ट क्या है। ये केवल भाषण का कंसेप्ट नहीं है, पीस एक इमोशन है, पीस एक फीलिंग है। उसको सिर्फ भाषणों में बांधा नहीं जा सकता, उसको केवल इंटेलेक्चुअल रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको फील किया जा सकता है। जैसे लव है, हैप्पीनेस है, इसको सिर्फ दिमागी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इनको फील किया जाता है। ठीक ऐसे ही बहुत अच्छा लिखा, वी आर डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू साइंस बट नॉट गेटिंग पीस इन द माइंड। शांति नहीं है आज हमारे दिमागों के अंदर, मन के अंदर। लेकिन ब्रह्मा कुमारी राजयोग एजुकेशन इसमें बहुत विशेष योगदान देता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर भी हम अपने मन को बिल्कुल शांत रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपना विजन चेंज करना पड़ेगा कि क्या हम इस अति समस्याओं वाले संसार को फिर से शांत बना सकते हैं। और आज मेरे को ये भी खुशी है कि मेरे सामने जो ग्रुप बैठा है,
ये वुड बी फॉर्चून मेकर ग्रुप है, ये भविष्य के बच्चों का भविष्य बनाने वाले और बच्चों को देश का भविष्य समझा जाता है। यदि हमारे टीचर्स एजुकेटर्स अच्छी तरह से एजुकेट हो जाएं तो हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो हमारे स्कूल से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा और अगले कुछ डिकेड्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा, जहाँ तक आज हम पहुँच गए हैं, हम तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, हम विनाश के किनारे पर खड़े हैं, हमने आज इतना बारूद बना लिया है कि हम इस संसार को 10,000 बार, इतना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट कर ली हैं कि हम 10,000 बार इस जैसी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। सोचिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी विजन में इतनी पावर होती है कि यदि हम अपने विजन में पावर ले आए और मिलकर के कार्य करें शांति के लिए, तो अवश्य ही हम चीजों को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द थिंग्स विद आवर विल पावर। लेकिन अभी आप सोचिए, मानो हमने ये मान लिया कि अब हमें बदलना है। मैं बात बता रहा था कि मेरे सामने टीचर्स बैठे हैं। एक छोटी सी घटना मैं अपने जीवन की बताऊंगा। मैंने स्कूलों में कॉलेजेस में बहुत पढ़ाया है, जैसे बायोडाटा में भी आपने देखा, बहुत सेमिनार्स कराए हैं, टीचर्स के भी कराए हैं और स्टूडेंट्स के भी कराए हैं। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा किसी स्कूल में कोई टॉपिक था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वही टॉपिक मुझे स्टूडेंट्स को कराना था, 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे, और वही टॉपिक बाद में मुझे टीचर्स को कराना था। तो जब मैंने स्टूडेंट्स को टॉपिक कराया तो एक घंटे की मेहनत में मैंने अपने लॉजिक से, कन्विंसिंग से उन बच्चों को ये कन्विंस कर दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इसी टॉपिक को जब मैंने टीचर्स के ग्रुप में बोर्ड पर जाकर के लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिखते ही सभा में से एक रिमार्क्स आया मेरी तरफ। तो किसी ने कहा, टीचर नहीं, कहते भाई साहब आजकल ये चलता नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, टीचर्स में से कहा। तो जैसे ही ऐसे कहा, मेरे को थोड़ा लगा, कुछ अटपटा सा लगा, तो मैंने बड़े प्यार से उनको खड़ा किया, क्योंकि उस समय मैं उनका टीचर था, तो मैंने उनको खड़ा किया और कहा, अच्छा भाई साहब मेरे से एक बड़ी भूल हो गई है, आपने अभी अभी कहा कि आजकल ये नहीं चलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मुझे बचपन में एक्चुअली यही पढ़ाया गया था, लेकिन मुझे स्कूल छोड़े 30-35 साल हो गए हैं, तो शायद ये पॉलिसी चेंज हो गई हो, मुझे नहीं मालूम था कि ये पॉलिसी बदल गई है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स को अभी अभी एक घंटा मैंने ये पढ़ा दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं दोनों हाथ जोड़कर उन बच्चों से माफी मांगूंगा कि ऑनेस्टी इज नॉट नाउ द बेस्ट पॉलिसी, और आप कहेंगे कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। तब उन्होंने, टीचर ने थोड़ा सा हिचकिचा कर, शर्मिंदा होकर के कहा, नहीं सर, उनको तो वही पढ़ाना है। बात छोटी सी है सर, लेकिन यहाँ बात आती है बिलीव सिस्टम पर। यदि हमारे टीचर्स ये बिलीव करेंगे कि आजकल ईमानदारी से काम नहीं चलता है, अगर टीचर्स ये बिलीव करेंगे, तो आप सोचिए कि बिना स्ट्रॉन्ग बिलीफ के
वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे क्या, जब तक, क्योंकि बिलीव सिस्टम ही आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है। अगर आपके बिलीव सिस्टम में कमजोरी है, कमजोरी अर्थात कि आप बोल रहे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, परंतु मान रहे हो अंदर ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, आजकल इसके साथ काम नहीं चलता है, तो आप कभी भी बच्चों के अंदर ऑनेस्टी को पैदा नहीं कर सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं हो सकते हैं। आप पढ़ा सकते हैं लेकिन आप उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने रियलाइज किया इस बात को और उन्होंने कहा ठीक है, हम गलत थे, तो हमें एक्चुअली अपने बिलीव सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हम पीस का टॉपिक लेकर के बैठे हैं, पहले तो हम देखें, एक तो हम ताली बजवाना चाहेंगे ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए कि बहुत सुंदर टॉपिक लिया है, सभी अपने लिए एक ताली बजा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन अगर मैं पूछूं इस दुनिया के लिए कौन पीस मैसेंजर हो सकता है, हु कैन बी द पीस मैसेंजर फॉर दिस वर्ल्ड, मैं चाहूंगा थोड़ा, आप सभी के पास भी मोबाइल होंगे, आप यूट्यूब की चैट बॉक्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे तो टॉपिक और मजेदार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारी तरफ से चीजों को थोप देना उसमें एजुकेशन नहीं आती है। एजुकेशन होती है जब इंटरेक्शन हो, आपके मन के अंदर छुपे हुए कुछ वायरस, जैसे मैंने उस टीचर की बात बताई, ऐसे ही अगर हम गुस्से की बात करेंगे, पीस का दुश्मन गुस्सा है, गुस्से के बिना क्या काम चलता है, क्या गुस्से के बिना काम चल सकता है, तो बहुत ज्यादा लोग मानते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं क्रोध करना आवश्यक होता है। तो जब तक हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव वायरस रहेंगे थॉट सिस्टम के अंदर, तब तक हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एनर्जी प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए आज संसार में नेगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा जीत रही हैं, लेकिन फाइनल जीत सत्य की होनी है, पॉजिटिविटी की होनी है। तो मैंने पूछा एज इंडिविजुअल, मेरे कई भाई बहन लिख रहे हैं ओम शांति, और कई इंडिया का नाम लिख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि इंडिविजुअल रूप में आप में से, हम में से, इस संसार के लिए हु कैन बी द पीस मैसेंजर, कौन पीस मैसेंजर हो सकता है जी, इसका उत्तर आप लिखिए, क्योंकि हमें टीचर सेल्फ, अभी और थोड़ा सा सोच करके बताइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप नजदीक आ रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु, टीचर्स, टीचर मदर, देखिए कितने उत्तर आ रहे हैं। नाउ दिस इंटरेक्शन विल वर्क, नाउ बहुत अच्छा है, माई सेल्फ, बहुत अच्छा है जी, देखिए खुद को आगे रखा, ये बहुत जरूरी बात है कि मैं पीस मैसेंजर हो सकता हूँ जी। मेडिटेशन, वेरी गुड, वी ऑल आर द पीस मैसेंजर, ओके, देखिए बहुत अच्छा, मजा आया आप सभी के विचारों को जानकर। लेकिन फिर मेरा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसके अंदर शांति की ऊर्जा ना हो, उसने शांति की ऊर्जा जमा ना की हो, उदाहरण आप धन की ऊर्जा से ले सकते हैं, किसी ने बैंक बैलेंस जमा नहीं किया हो, तो क्या वो दान दे सकता है, जिसके खुद के खजाने में कुछ ना हो, क्या वो दूसरों को दान दे सकता है जी? अगर हमें दूसरों को दान देना है तो हम अपना खजाना पहले हमको भरना पड़ेगा,
यदि हमें इस संसार में शांति को प्रवाहित करना है, मेरे प्यारे भाई बहन अच्छी तरह से सोच करके बातों का जवाब देंगे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ भाषण का रूप नहीं होना चाहिए। मैं आपके बहुत से डाउट्स आपकी बातों से क्लियर करूंगा, क्योंकि देखिए कईयों ने लिखा है यस शांति का दान, यस बाय टीचिंग। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहने, टीचिंग के द्वारा हम इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से दुनिया बदलती तो आज हमारे इंटरनेट, हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भी भरे हुए हैं। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भरे हैं। लेकिन क्या केवल इंफॉर्मेशन दुनिया को बदलेंगी या रियलाइजेशन बदलेंगी, इस बात का जवाब दीजिए। आपको इन 7 दिनों में बहुत गहराई से समझना है कि वास्तव में हाउ पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड। जी, अगर मेरा मन शांत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के रूप में पूछता रहूंगा, मेरा मन शांत नहीं है, मैं दूसरों को शांति दे सकता हूं? अब यस और नो में लिख सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा सर बहुत ज्यादा भाषणबाजियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा सिर्फ भाषण करने की ट्रेंड्स हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रियलाइजेशन कम है, अपने अंदर ऊर्जा की कमी है। छोटी सी बात पर हम अपनी शांति भंग कर देते हैं, छोटी सी बात पर हम विचलित हो जाते हैं। जब हम खुद विचलित हो जाते हैं, हम केवल भाषण दे करके संसार को बदल नहीं सकते हैं। वी कैनॉट गिव पीस एजुकेशन टू द वर्ल्ड अनलेस वी आर एट पीस। इसलिए पहले हमको फॉर बिकमिंग अ पीस मैसेंजर। जी, अभी आपके आंसर्स का कोऑर्डिनेशन मेरे साथ हो रहा है, बहुत अच्छा। हमें इंफॉर्मेशन से आगे चलना पड़ेगा और रियलाइजेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। एक बार एक महात्मा जी के दरवाजे पर कोई नौजवान आया, उसने ऐसे कई ग्रंथ अपने सिर पर रखे हुए थे। तो उसने कुंडी खटखटाई और अंदर से आवाज आई, कौन है? अंदर से आवाज आई, कौन है? तो बाहर से उसने कहा, यही तो नहीं जानता हूं और यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। तो ऐसा सुन करके महात्मा जी ने दरवाजा खोला और देखा सामने एक नौजवान 4-5 ग्रंथ सिर पर रख करके खड़ा था। तो बोला, ये क्या है? उसने कहा, महात्मा जी ये सारे ग्रंथ पढ़ डाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। प्यारे भाई बहनों, इस संसार की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इंसान खुद को ही नहीं जानता है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है, जो हमें बताती है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो मैं एक पावर पॉइंट के माध्यम से थोड़ा सा आपको वो समझाना चाहूंगा कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जिसके अंदर पीस समाई हुई है, वो मैं आप सभी को
दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जस्ट एक बार बता देंगे, यस और नो। ओके, दिखाई दे रही है। स्वयं की पहचान क्या है? खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जान सकते। खुद माना अपने इनर सेल्फ को जानना कि मैं कौन हूं। कहा जाता है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो जब हम स्वयं को पहचानते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तभी हम अपने आप को शांत रख पाते हैं और तभी हम विश्व शांति के लिए बात कर पाएंगे। जी, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीयता, शरीर का नाम, योग्यता, पद, धर्म, संबंध, ये सब जो है हमने जन्म लेने के बाद एक्वायर किए हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। यदि हम कहें कि मैं डॉक्टर हूं, तो क्या डॉक्टर मेरी वास्तविक पहचान है? मैं इंजीनियर हूं, क्या इंजीनियर मेरी वास्तविक पहचान है? क्योंकि डॉक्टर तो मैं जन्म लेने के 20, 22, 25 साल के बाद बना था। ये है हमारी एक्वायर्ड क्वालिटीज। लेकिन हु एम आई इन रियल, मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? यहाँ देखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गहरा सीक्रेट, जिसकी कमी में हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये है आप 5 तत्वों से बने हड्डी मांस का शरीर नहीं हो। ये शरीर तो 5 भूतों से बना है और इन्हीं के अंदर समा जाएगा। या तो इसको दफन कर दिया जाएगा या फिर इसको भस्म कर दिया जाएगा। तो वास्तव में क्या हम एक शरीर हैं? अब इस बात का उत्तर दीजिए। क्या हम मात्र एक शरीर हैं या शरीर से अलग एक शक्ति है? अभी तक जो भी आपका ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप बता सकते हैं। अभी जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं, इसे हम ये समझ रहे हैं कि आपने आज तक इतना ज्ञान अर्जित किया है, उसमें हम सुधार करते चलेंगे। बहुत सी चीजें हमें हर घड़ी सीखनी है। Till the last breath of the life, we will remain students. चलिए जी, आप एक आत्मा हैं। जिस प्रकार से एक पंखे को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, बल्ब को जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार से हर संसार की हर मशीन के पीछे, चलने के पीछे छुपा हुआ राज जो होता है, एक अदृश्य ऊर्जा होती है हर मशीनरी के पीछे। हर मशीन किसी ऊर्जा से चलती है। तो संसार की और प्रकृति की बनाई हुई सबसे वंडरफुल मशीन जो है, ये शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है।
इस शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आत्मा है, जो अदृश्य है। वो एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में निवास करती है, जिसके कारण हम मस्तक में तिलक लगाते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है? जैसे मोती और सीप का है, ड्राइवर और कार का है, घर और मालिक का है। जैसे एक ड्राइवर कार को चलाता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को चलाती है। जब हम किसी व्यक्ति को भी कब मरा हुआ घोषित करते हैं और उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि पंछी तो उड़ गया या उसने देह त्याग कर दिया, तो यहाँ सोचने का विषय है किसने देह त्याग कर दिया, कौन सा पंछी उड़ गया। वास्तव में ये सोल के बारे में कहा गया है। सोल का मतलब साइंटिफिक टर्म्स में है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। ये आप नोट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। शरीर के अंदर एक ऐसा अद्भुत प्रकाश है ये, जो इस शरीर को चलायमान यानी गतिमान करता है। वरना ये शरीर जड़ है। आत्मा के छोड़ने के बाद ये शरीर एक जड़ हो जाता है और कुछ घंटों में ही ये जड़ सड़ जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। चलिए, यहाँ गीता में कहा गया सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, स्थित प्रज्ञ की विशेषता बताई। वहीं पर आत्मा के बारे में कहा गया कि आत्मा अविनाशी है और इसको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, क्योंकि ये अदृश्य शक्ति है। जो हम पीस की बात कर रहे हैं, पीस हमारे शरीर का कोई फंक्शन नहीं है, पीस आत्मा का फंक्शन है। तभी हम कहते हैं मेरी आत्मा को कोई शांति दे, उसकी आत्मा को शांति दे। आप अपने ही शब्दों पर जब ध्यान देंगे, जाने अनजाने में जो शब्द हम यूज करते हैं, वहां से आपको मूल ज्ञान प्राप्त होगा। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शरीर की मालिक है और पांच इंद्रियों को चलाने वाली है। आंख, कान, नाक, त्वचा और चमड़ी, त्वचा और जीभ के जरिए ये हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम बाहर के जगत की इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाते हैं। ये सब जो भी अभी आप सुन रहे हैं, ये बहुत गहराई से आपकी मन की स्थिति, आपकी पीस के साथ जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से हमारे अंदर अशांति होती है, यदि आपके अंदर कानों में गलत शब्द पढ़ते भी आप उसे मन के अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपको कोई अशांत नहीं कर सकता, आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता है। आँखों से गलत चीज़ देख करके भी यदि आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो देखने के बाद भी उस दृश्य का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत गहराई से समझना है हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड ट्रेवल्स इनसाइड माय माइंड एंड हाउ आई डू रिएक्ट टू दोज सिचुएशंस। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर आता है आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आप नोट भी कर सकते हैं। मन के द्वारा हम सोचते हैं, इसमें लहरों के रूप में दिखाया गया है। मन हमारी विचार शक्ति का नाम है और ये 24 घंटे एक्टिवेट रहती है। सोते हुए या जागते हुए हमारा मन जो है वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, चाहे वो चेतन रूप में,
चाहे वो अवचेतन रूप में, कॉन्शियस रूप में या अनकॉन्शियस रूप में, मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। बुद्धि तराजू के रूप में दिखाई गई है। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। अभी आप एक एक बात को सुन रहे हो और उसको सुनने के बाद आप उसको निर्णय करते हो। बहुत सी बातें जो मन में चलती हैं, सारी की सारी बातें हमारे एक्शन में नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें से बुद्धि बहुत सी बातों को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। बुद्धि जिन बातों को ओके करती है, वही फिर हमारे कर्मों में आते हैं, और जो बातें हमारे कर्मों में आती हैं, वो लंबे समय के बाद हमारे संस्कार बन जाती हैं। हम मन द्वारा सोचते हैं, बुद्धि द्वारा निर्णय करते हैं, और फिर हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। आज आप देखिए पूरे संसार में ज़्यादातर लोगों के संस्कार कैसे हैं, शांति के हैं या अशांति के हैं, ऊपर के अभी संस्कार कैसे हो गए हैं, जो संस्कार जागृत हैं। मूल संस्कार तो सभी का शांति का होता है, इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध पर भी पहुंचकर हम पीस ट्रीटीज करते हैं, शांति वार्ताएं करते हैं, शांति संगठन बनाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मनुष्य का मन आज अशांत है। उसके शांति के संस्कार नीचे चले गए हैं। उन्हीं संस्कारों को इमर्ज करना है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, ज़्यादातर लोग इस दुनिया से जब जाते हैं, संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट जाते हैं? जल्दी जल्दी आप उत्तर देंगे तो हमारा कार्य आगे बढ़ता चलेगा। ज़्यादातर लोग संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट जाते हैं? देखिए सेकंड में जवाब आता है, 99% लोग जब इस संसार से जाते हैं तो असंतुष्ट जाते हैं। देखिए सब कुछ पाने के बाद भी, 80 साल मेहनत करने के बाद भी आज ज़्यादातर लोग, सभी नहीं बोल रहे हम, कुछ ही हैं, और इसको आप अपने चारों तरफ आज एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आज अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आप एक सेंसस कर लेना, 100 लोगों से मिल लेना और पूछ लीजिएगा, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? तो ज़्यादातर जवाब आपको क्या मिलेगा, आप उसमें एवरेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग संतुष्ट हैं। जबकि आज कितना कुछ हमें मिल गया है, उसके बावजूद भी हम अभी बात उनकी नहीं कर रहे जिनको कुछ नहीं मिला, जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, अभी उनको नहीं, अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है। क्या वो भी संतुष्ट हो गए? क्योंकि आत्मज्ञान की कमी है वास्तव में, जो आपको कहा स्पिरिचुअल अवेयरनेस की कमी है। आपको याद होगा बचपन में पढ़ा होगा, कबीर जी की वाणी पढ़ी होगी। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक बैठे भी हैं हमारे सामने, तो कबीर जी की वाणी कहती थी, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हे मनुष्य, गौ का धन, आजकल गाड़ियां होती हैं, पहले गौ को धन कहा जाता था, गौ धन गज धन घोड़ों का धन, बाजी धन यानी हाथियों का धन और रतन धन खान। लेकिन जब मनुष्य के पास संतुष्टता का धन आता है तो सब धन धूल समान। ये बात उस जमाने में भी सत्य थी, ये आज भी सत्य है। आज इसी कारण से ज़्यादातर तो लोग असंतुष्ट जाते हैं, क्योंकि उनका जो थॉट सिस्टम है वो थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पर चला गया है। तो हमें
अब मिल करके ब्रह्मा कुमारी का यही मोटो है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए विचारों के बारे में आपको बताया जा रहा है। चित्र सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार लिख करके बता देंगे, फिर से कंफर्म हो जाएगा। विचारों का स्रोत कहाँ से है, हमारे अंदर ये विचार आते कहाँ से हैं? इंद्रियों का प्रभाव, मान्यताएं, पूर्व स्मृतियां और रचनात्मकता, इंद्रियों का प्रभाव मतलब बाहर से जो अभी आपको बताया, जो कुछ हम रिसीव करते हैं बाहर से, उसके कारण हमारी इंद्रियां उसकी गुलाम हो जाती हैं, उसके प्रभाव से। इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन से हमारे विचार चलते हैं। मान्यताएं अर्थात बिलीफ सिस्टम से पुरानी मान्यताएं हमारी क्या है, वो हमारे अंदर विचारों को जन्म देती हैं। पूर्व स्मृतियां, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी पूर्व स्मृतियां वो हमारे विचारों को जन्म देती है। कुछ विचार हम अपने संकल्प शक्ति से रचना करते हैं, इस प्रकार से अनेक तरफ से हमारे अंदर विचार आते हैं। विचार सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं और व्यर्थ भी होते हैं। चार प्रकार के विचार बताए, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। आप क्या समझते हैं, ज्यादा विचार आजकल कौन से होते हैं हमारे मन के अंदर, ज्यादा विचार कौन से होते हैं? लगभग एक आम व्यक्ति के मन में 50,000 से 60,000 विचार जन्म लेते हैं 24 आवर्स में, 50,000 से 60,000 विचार। तो उसमें से ज्यादातर विचार क्या होते हैं, अपना अपना बताएं, ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी, कोई कहता है 80% नेगेटिव, कोई नेगेटिव कहता है, कोई सकारात्मक कहता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मेजॉरिटी का जवाब इसमें आएगा कि ज्यादा विचार जो हैं वो वेस्ट होते हैं, नेगेटिव भी नहीं होते ज्यादा, किसी किसी के नेगेटिव होते हैं पर ज्यादातर वेस्ट होते हैं, कुछ परसेंट नेगेटिव होते हैं। लेकिन पॉजिटिव विचार जो है, आज क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है, अशांति का कारण क्या है, क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छी है या कमजोर है, अशांति का कारण क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ थॉट। जी, वीक क्वालिटी ऑफ थॉट विल लीड टू द पीसलेस माइंड। इफ क्वालिटी ऑफ थॉट इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी ऑफ थॉट डिक्रीजेस, यदि हमारे मन में चलने वाले विचार, देखिए जो मैंने बताया 50,000 से 60,000 विचार जो है, वो विचार मन में चलते हैं, तो एक आम व्यक्ति जो वर्तमान में है, आम व्यक्ति अपना जीवन जीता है। लेकिन अगर वो विचार 50,000 से 60,000 हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, 60,000 से 70,000 हो जाते हैं, टेंशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन होने लगता है। अगर 70,000 से ऊपर विचार पूरे दिन में आगे बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति के पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे विपरीत दिशा में आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ थॉट पर ध्यान दें। इफ यू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, योगी के मन के विचार ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? जी, योगी के मन के विचार
ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, कम विचार होते हैं योगी के मन के, लेकिन योगी के मन के विचार कमजोर होते हैं या पावरफुल होते हैं। हम बेसिक अध्ययन कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है पीस एजुकेशन, तो शांति कहाँ से आती है, वो मन के अंदर के विचारों से ही आती है। और विश्व शांति केवल यूनाइटेड नेशन में बैठकर कागजों पर साइन करने से नहीं आएगी, वो हम सभी के इंडिविजुअल के माइंड के अंदर शांति पैदा करने से आएगी। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, एवरी रेवोल्यूशन वाज ए थॉट वन डे। किसी एक व्यक्ति के दिमाग में जन्मा हुआ एक थॉट ही कभी क्रांति बन जाया करता है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी के अंदर भी यदि ये थॉट, पावरफुल थॉट जन्म ले ले कि अब हमें संसार में शांति लानी है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं संसार में, लेकिन हमें अपने विजन को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा। कल मैं इसको थोड़ा और कवर करूंगा, टॉपिक डिफरेंट भी रहेगा, लेकिन पावर ऑफ विजन को और भी कवर करूंगा मैं। योगी के थॉट कम होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ कंट्रोल उसका ज्यादा होता है और वो अपने मन की शांति को मेंटेन कर पाता है। उसकी शांति को कोई भी भंग नहीं कर पाएगा। जो गीता में कहा गया, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख और प्यास, हर परिस्थिति के अंदर जो एक समान रह सकता है वही स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसी वंडरफुल स्थिति जो 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने प्राप्त की, जो दिखाया गया है हमारे गीता में, महाभारत में दिखाया गया। तो स्थिति, ऐसी स्थिति कौन कौन बनाना चाहता है आप में से, मैं पूछना चाहूंगा, कौन कौन ऐसी मन की स्थिति बनाना चाहता है? यू कैन रेज योर हैंड्स, क्योंकि हम 7 दिनों में उसी स्थिति बनाने पर कार्य करेंगे। आपको हम आपका ऑरा भी महसूस कराएंगे कि ऑरा किस प्रकार से बनाया जाता है, अपने चारों तरफ ऑरा कैसे बनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर बुद्धि के कार्य बताए गए हैं अनेक, समझना, अंतर करना, पहचानना, ये बुद्धि के कार्य हैं सभी। संस्कार का भी बताया गया है, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, वर्तमान के कर्म भी संस्कार बनते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग की तरह है जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ जो हम पीस की बात कर रहे हैं, ये पूरा चैप्टर आपको सेल्फ का इसलिए पढ़ाया कि हम सभी शरीर नहीं है। पीस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बॉडी, पीस इज फंक्शन ऑफ सोल, वर्चू ऑफ सोल। आत्मा के मूल रूप में 7 गुण होते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति और पवित्रता। तो शांति आत्मा के अंदर है, वो शरीर के अंदर नहीं है। अब हम इस आत्मा के अंदर की शांति को किस प्रकार से बाहर निकालेंगे, ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे और हम उस पर वर्क करेंगे। आज हम आज के विषय को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन एक विजन के साथ, क्योंकि सिर्फ भाषण सुन करके उठ गए तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। हम सब अभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे और अपने मन में एक संकल्प धारण करेंगे। हम पीस एजुकेशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सुनते हैं टन भर, हम बोलते हैं मन भर, लेकिन करते हैं कण भर। वी ऑलवेज टॉक टॉक एंड टॉक, वी ऑलवेज थिंक थिंक एंड थिंक, बट वी डू वेरी लेस। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमको ये सिखाया गया कि यदि आप पीस की बात कर रहे हैं तो पीस को धारण करके दिखाओ। हमने ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन से
100% क्रोध पर विजय प्राप्त की है। शांति के द्वारा जीवन के किसी भी परिस्थिति को जीतने में सफलता प्राप्त की है एंड इसीलिए आज एक स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, किस प्रकार से हम अपने मन की शांति को बरकरार रख सकते हैं। इफ आई एम एट पीस आई कैन मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल। तो हमें पहले अपनी शांति पर वर्क करना है, फिर एक क्रांति पैदा करनी है कि हम सारे संसार में अपनी ऊर्जा के द्वारा शांति ला सकें। अभी हम एक मिनट के लिए बैठेंगे थोड़ा सीधे होकर के और एक विजन बनाएंगे कि मैं अपने मन में अगले कुछ समय में, थोड़े समय में, अपने मन के अंदर संपूर्ण शांति का साम्राज्य स्थापन करूंगा या करूंगी। काइंडली मेक द विजन, दिस विजन ओनली विल अवेकन योर इनर पावर्स। अपने जीवन में मुझे संपूर्ण शांति को प्राप्त करना है, लास्ट में नहीं, जल्दी से जल्दी। फिर अपनी शांति के द्वारा अपने शहर के अंदर शांति लानी है, गांव के अंदर शांति लानी है, परिवार के अंदर शांति लानी है और फिर जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि हम मिल करके पूरे विश्व के अंदर शांति का साम्राज्य स्थापन कर सके। सेल्फ पीस टू ग्लोबल पीस, दिस इज अवर विजन। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशंस में आपको और भी मेडिटेशन के थोड़े और लंबे सेशंस हम कराएंगे जिससे मन को शांति रखने में आपको सहज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी का, रजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन का, कि बहुत सुंदर अवसर जिन्होंने हमें दिया। थैंक यू। I'm sure. के साथ आपने आज के विषय को विवरणित किया। मैं कहना चाहूंगी हमारे प्रतिभागी जरूर लाभान्वित अवश्य हुए होंगे। मैंने आपकी बातों में कुछ प्रमुख बातों को गौर किया सर, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक सबसे प्रमुख बात सर, अगर हम शांत नहीं रह सकते तो हम शांति बांट भी नहीं सकते। तो सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या मैं प्रश्न उत्तर सत्र प्रारंभ कर सकती हूँ? जी, अगर किसी के पास पूछ सकते हैं। तो मैं अपने प्रतिभागियों से आग्रह करूंगी, अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो वो जरूर पूछें। सर सबसे पहले मैं अपनी ओर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जी सर, आपकी बातों में मैंने संस्कार सत्र को सुना, मेरे मन में एक सवाल है सर, क्या संस्कार का परिवर्तन किया जा सकता है? अगर हाँ तो उसके क्या तरीके हैं? देखिए, हमने इसलिए चित्र के मदद से आपको बताया, मन बुद्धि और संस्कार, जैसे हमारे अंदर थॉट पैटर्न होते हैं, वो थॉट धीरे धीरे मन की गहरी लेयर्स में जाते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं। जैसे एक होता है संस्कार, एक होता है आदत। संस्कार होता है डीप रूटेड हैबिट्स। अगर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 हम संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी कि हमारे अंदर भी क्रोध था, बात बात पर गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, लेकिन हमने रेगुलर राजयोग एजुकेशन की शिक्षा से हर रोज अपने थॉट पैटर्न को चेक करते हुए, रोज परिवर्तन का संकल्प करते हुए, हमने मन को ये सिखा दिया, पाठ पढ़ा दिया कि
कि शांति से बड़ा कोई यंत्र नहीं है। और थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने वो संस्कार बदल दिया और अब क्रोध नहीं करते हैं। बिल्कुल शांति से ही हर कितनी भी बड़ी बात जीवन में आ जाए। तो आपकी बात का उत्तर है यस। अगली क्लासेस में हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे, संस्कार बदले जा सकते हैं। जी और भी कोई? थैंक यू सर। सर एक और प्रश्न है, हु एम आई, एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएं सर। देखिए दो शब्द होते हैं, मैं और मेरा। हम दिन भर में बहुत बार, तो हम इस शरीर को मेरा शरीर जो आप बाहर देख रहे हैं, बीके करण राणा, बट एक्चुअल में करण राणा इज नॉट स्पीकिंग। करण राणा के अंदर जो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, दैट एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, वो बोल रही है। देखिए जैसे ही वो आत्मा शरीर से निकलती है, तो इस अब शरीर चाहे डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, वकील का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो या चीफ मिनिस्टर का हो, मरने के बाद सभी की एक ही परिभाषा हो जाती है, डेड बॉडी को उठाओ, दैट रिमेन्स ओनली डेड बॉडी। एक्चुअल में हमारी वास्तविक जो आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर को मैं चला रही हूँ, सो दैट इज माय रियल सेल्फ, मैं एक आत्मा हूँ। और आगे हम बताएंगे जो अभी सात गुण आपको बताए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। हमारे जो मन के गर्भ के अंदर यानी डीप सबकॉन्शियस में पॉजिटिव एनर्जीज छुपी पड़ी हैं, उसे हमें बाहर निकालना है, दैट इज अवर सेल्फ आइडेंटिटी। जी धन्यवाद सर। सर मेरा एक और प्रश्न है, सर मैं छोटी बातों पर बहुत ज्यादा विचलित हो जाती हूँ, मैं दिन भर उसी बात को सोचते रहती हूँ, तो मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ सर? वैसे तो मैं बहुत अच्छे उत्तर आगे की क्लासेज में देने वाला हूँ, जैसे आप लोग भी पढ़ाते हो ना, बेटा पहले टॉपिक तो पूरा होने दो, फिर पूरा जवाब देंगे ना। लेकिन फिर भी आपके मन को रखने के लिए मैं बता दूं, प्यारी बहन आपने खुद ही कहा मैं छोटी बातों पर विचलित हो जाती हूँ। जब बात है ही छोटी, आप बोल ही रहे हो छोटी, तो छोटी बात को छोटी करो ना, बड़ी क्यों बनाते हो? ये एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, वो आएगा राजयोग एजुकेशन से, है ना। और देखो अगर आप ये देखोगे ना, छोटी बात से ही महाभारत हुई, छोटी बात से ही रामायण हुई, एक ही तो बात थी अंधे की औलाद अंधी। आज भी घर जो टूट रहे हैं वो बड़ी बातों के कारण नहीं टूट रहे हैं, घर तो उनके भी टूट रहे जो रेलवे लाइन के साइड में बनाए, सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाए बैठे हैं, ये सिर्फ अहंकार के कारण टूट रहे हैं। इसलिए हमें छोटी चीजों को कैसे इग्नोर करना है, देखिए इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा सा मेरे को याद आ गया, फूलों की तरह खिल खिलाया करो, फूलों की तरह खिल खिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो, फूलों की तरह खिल खिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो, छोटी छोटी बातें सैलाब बनती हैं, अरे मेरी राय मानो उन्हें भूल जाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आगे बहुत डिटेल में लूंगा क्वेश्चंस को, अभी पहले हम थोड़ा बेसिक्स एजुकेशन ले लें, फिर बहुत अच्छे डिटेल में क्वेश्चंस लेंगे, एनी क्वेश्चन ऑफ द लाइफ। ओके ओके सर। इसी के साथ प्रश्न उत्तर सत्र समाप्त होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज के दिन के आखिरी ओर बढ़ चुके हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है, किसी भी कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगीत गाकर सम्मानित किया जाता है, तो सभी कोई
राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो जाएं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तिरंगा। सब शुभ नाम जागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर। अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे सर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ओम शांति ओम शांति।